तुझे भूलना तो चाहा लेकिन बुला ना पाए। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आप भी कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रेंड, और आप भी इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। और फ्रेंड, इस वीडियो को बनाने के लिए आपको मोबाइल में काइनमेस्टर ऐप होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम सबसे पहले काइनमेस्टर ऐप को ओपन करके इस वीडियो को बनाना स्टार्ट। फ्रेंड, काइनमेस्टर ऐप ओपन कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ से 9:16 का रेशियो को सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद में आपको फ्रेंड मीडिया के ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। आप अपना फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और हम जो डाउनलोड करके रखे हैं उसको सिलेक्ट करके आपको बताते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद में इसका लेयर कुछ इस तरह से बढ़ा दीजिएगा फ्रेंड। तो इसका लेयर हम 15 या 18 सेकेंड तक कर देते हैं फ्रेंड। और उसके बाद में आपको यहाँ पे शुरू से आ जाना है, और कैंची के बगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसको कुछ इस तरह से जूम कर देना है फ्रेंड। कुछ इस तरह से इस फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना है, और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको थोड़ा ऊपर कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ बरोबर के ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देना है फ्रेंड। और उसके बाद में आपको जाना है लेयर का ऑप्शन में और मीडिया का ऑप्शन में, और इस ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना फ्रेंड। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड इसको फुल स्क्रीन में कर देना है कुछ इस तरह से, और यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद में आपको इस पर क्लिक करना है, और आपको आ जाना है यहाँ पर क्रोमा की के ऑप्शन में कुछ इस तरह से, और यहाँ पे क्रोमा की के ऑप्शन पे क्लिक करके और इसको कुछ इस तरह से इनेबल करना है। और यहाँ से आपको की कलर ग्रीन रहना चाहिए फ्रेंड, पहले ग्रीन वाले को हम रिमूव करते हैं फ्रेंड। और उसके बाद में यहाँ से ओके कर दीजिएगा, और उसके बाद में फ्रेंड आपको कुछ इस तरह से यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और नीचे एक्सपोर्ट कर देना है फ्रेंड। और फ्रेंड ये वीडियो एक्सपोर्ट हो जा रहा है, तो इसको हम फिर से काइनमेस्टर पर ओपन करेंगे। और फ्रेंड ये एक्सपोर्ट हो गया, तो इसको हम कुछ इस तरह से बैक ले लेते हैं फ्रेंड। और उसके बाद में फ्रेंड आपको इस पर क्लिक करना है, और इसको कुछ इस तरह से डिलीट कर देना है फ्रेंड। और इस पर भी फोटो पे भी क्लिक करके इसको भी डिलीट कर देना है फ्रेंड। और उसके बाद में फ्रेंड फिर से जाना है मीडिया के ऑप्शन में, और यहाँ से आपको एक दूसरा फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड हम इस फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड, आप अपना गर्लफ्रेंड या किसी का भी फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड। और फ्रेंड इस फोटो को भी हम डाउनलोड करके रखें फ्रेंड, तो इसको भी 18 सेकेंड तक करके फ्रेंड इसको कुछ इस तरह से जूम कर देना है। तो कुछ इस तरह से जूम कर दीजिएगा फ्रेंड, और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से कुछ इस तरह से इसमें एडजस्ट कर दीजिएगा। और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ बरोबर के ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देना है। और फ्रेंड उसके बाद में आपको जाना है लेयर का ऑप्शन में और मीडिया का ऑप्शन में, और अभी जिस वीडियो को एक्सपोर्ट करके रखे हैं फ्रेंड उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, और इसको फुल स्क्रीन में कर देना है कुछ इस तरह से फ्रेंड। और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है, और उसके बाद में फ्रेंड आपको इस पर क्लिक करना है, और आपको आ जाना है फिर से क्रोमा की के ऑप्शन में कुछ इस तरह से यहाँ पे है फ्रेंड। और उसके बाद में फ्रेंड इसको कुछ इस तरह से इनेबल कर देना है, और यहाँ की कलर पे क्लिक करना है फ्रेंड, और यहाँ से आपको ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद में फ्रेंड थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके, और यहाँ से फ्रेंड आपको ओके कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ से भी ओके कर देना है। और उसके बाद में आपको जाना है लेयर का ऑप्शन में और मीडिया का ऑप्शन में, और यहाँ से आपको लाइट वाले टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड उसके बाद में इसको फुल स्क्रीन में कर देते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ से ओके कर देना है फ्रेंड। और उसके बाद में फ्रेंड फिर से आपको इसी पे क्लिक करके आपको नीचे आ जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में, और यहाँ से आपको स्क्रीन कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड फिर से लेयर का ऑप्शन में जाना है और मीडिया का ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से आपको इस बॉर्डर PNG को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद में फ्रेंड इसका भी लेयर बढ़ा देना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद में फ्रेंड इसको भी फुल स्क्रीन में कर देना है, और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और फ्रेंड हमारा वीडियो रेडी हो गया। इस वीडियो को हम थोड़ा सा प्ले करते हैं, तो प्ले करने से पहले कुछ इस तरह से इसका साउंड म्यूट कर लेते हैं फ्रेंड, और उसके बाद में फ्रेंड इसको फुल स्क्रीन में करके इसको हम प्ले करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि हमारा वीडियो किस तरह से एडिट हुआ है फ्रेंड, आप भी इस तरह से स्टेटस वीडियो एडिट कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड इस वीडियो को सेव कैसे करना है, तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पे तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको क्वालिटी को चेंज कर लेना है अपने हिसाब से, और इसको हाई लो कर सकते हैं फ्रेंड। और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है फ्रेंड, और फ्रेंड हमारा वीडियो अब सेव होने लगा। तो फ्रेंड आप भी इस तरह से स्टेटस वीडियो बना सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं मैसेज के द्वारा, तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।